जरा सोचिए कैसा रहा होगा वह मंजर जब लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी थी। विक्रम संवत 1956, यह एक ऐसा दौर था कि लगभग राजस्थान के अधिकांश जगहों पर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और इस दौर में न तो खेती के अलावा दूसरा कोई साधन था और न ही कोई सरकारी व्यवस्था थी जिससे इंसान को भोजन मिल जाए। यह दौर ऐसा था जब सैकड़ों पशुओं की भूख के चलते जान चली गई। बारिश की कमी के कारण अनाज तो छोड़िए, पशुओं के लिए घास भी नहीं उगी थी। बड़े बुजुर्ग जब इस खौफनाक अकाल की दास्तां बयां करते हैं तो रूह कांप उठती है। छपनिया अकाल के नाम से यह काल जाना जाने लगा। आज भी छपनिया अकाल का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि उस दौर में अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ था। लोग राजस्थान से पलायन करके मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्य गुजरात चले गए और जो लोग पलायन नहीं कर सके वह लोग पेड़ों की सूखी छाल पीसकर अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाते थे। हालांकि इस दौरान राजस्थान के कई ऐसे राजा भी थे जो जनता की भूख प्यास मिटाने के लिए अपनी सारी संपत्ति या कह लीजिए राजाओं ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। राजा राव गोपाल सिंह से तो लोगों की हालत देखी नहीं गई, इसीलिए उन्होंने अपने राज दरबार के सारे गहने और जो कीमती सामान था वो बड़े सेठों के पास गिरवी रखकर लोगों की भूख प्यास मिटाने का कार्य किया। उस दौरान पानी को लोग घी की तरह इस्तेमाल करते थे। राजस्थान का ये सबसे खौफनाक व भयंकर अकाल था और उस दौरान हजारों पशु और पक्षी और साथ में इंसान इस अकाल की मौत का ग्रास बन गए। उस दौरान कई किसान ऐसे भी थे कि इतनी बुरी हालत में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और इस अकाल का डटकर सामना किया।